मुकेश सहनी ने दो ही चरण के बाद केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार भी बना दी जी, के झंझारपुर के कैंडिडेट को मंत्री भी बनवा दिया। अच्छा, मंच से ही मंत्री बनवा दिया। अगर हो सकता है, अगर संविधान अगर लेके साथ चलते हेलीकॉप्टर में तो शायद शपथ भी दिला देते। वो वहाँ यादवों का वोट ट्रांसफर करवाएगा जी, और भी विकास के नाम पर वोट लेगा जी। ये तो सुमन महासेठ तो बड़ो प्लेयर है जी। मुकेश सहनी का सपना जो है, ख्वाब जो है, मतलब वो चांद पर जाने का। मुकेश सहनी का बरबोलापन कहीं ऐसा ना हो जो महागठबंधन के लिए घाटा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, मैं वेद सिंह। आज झाजी के विश्लेषण कुछ खास होने वाला है। झाजी के विश्लेषण में आज हम झाजी से जानेंगे, तेजस्वी के सामने ही सहनी का रौद्र रूप दिखा। क्या लालू से हो गई गलती या गेम पलट जाएगी? तो झाजी से अब हम सीधे बात करते हैं। झाजी, क्या लगता है झंझारपुर से मुकेश सहनी ने आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, झंझारपुर से वीआईपी की वो सीट है, झंझारपुर से वहाँ वीआईपी ने सुमन महासेठ को उतारा है। अभी दो फेज का ही चुनाव हुआ है, 7 चरण में चुनाव होना है, अभी 5 चरण बाकी है, 3रा चरण 7 तारीख को है। मुकेश सहनी ने दो ही चरण के बाद केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार भी बना दी जी, कैबिनेट भी तैयार कर दिया। अच्छा, और उस कैबिनेट में वीआईपी के झंझारपुर के कैंडिडेट को मंत्री भी बनवा दिया। अच्छा, मंच से ही मंत्री बनवा दिया। अगर हो सकता है, अगर संविधान अगर लेके साथ चलते हेलीकॉप्टर में तो शायद शपथ भी दिला देते। 4 तारीख को जो निर्णय आएगा उसमें आराम से हमारी पार्टी का, हमारे गठबंधन इंडिया गठबंधन का सरकार बनने के लिए जा रहा है। साथियों, सरकार बनने के लिए जा रहा है, और सरकार बनने के बाद जब वो सरकार में मंत्रिमंडल बनने का समय आएगा तो आपका झंझारपुर का बेटा सुमन कुमार महासेठ ही मंत्री बनेगा। साथियों, मंत्री बनेगा क्योंकि आप सब जानते हैं हम इंडिया गठबंधन में है। एक भी अगर मंत्री बनाने का समय आएगा तो हमारे गठबंधन से बनाया जाएगा, तो हमारे गठबंधन से बनेगा। तो हम आज ही ऐलान करते हैं कि सुमन कुमार महासेठ जी ही मंत्री बनेगा। साथियों, तो लेकिन वो तो हुआ नहीं जी। मतलब उन्होंने अपने भाषण के दौरान केंद्र सरकार को कोसा, जो अपने होता है नेतागिरी का भाषण, जो उन्होंने कहा जो सरकारी नौकरियां नहीं दी, विकास नहीं किया, जो चुनावी बॉन्ड मिला, कहे कॉरपोरेट जगत के लिए खजाना खोल दिया, गरीब के लिए कुछ नहीं है। और उसी कहते कहते क्रम में उन्होंने कहा जो इस बार केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी जी, और वहां पर जब कैबिनेट का गठन होगा जी, तो आपका झंझारपुर का बेटा जी, यानी कि सुमन महासेठ जी, उस कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री का पद का शपथ लेंगे। अच्छा, इतनी बड़ी बात है, क्योंकि अभी तो मुकेश सहनी का तो अपना कूपन रिचार्ज ही नहीं हुआ है जी, ना वो एमएलए है ना एमएलसी है, बिल्कुल एमपी तो बहुत दूर की बात है जी। और जो अभी कैंडिडेट खड़ा है वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी एक तरह से कहे जो महागठबंधन जो है वो अभी दूर दूर तक अभी हम लोग को कहीं लड़ाई भी नहीं दिख रहा है जी। ठीक है, प्रयास लोग कर रहे हैं जी, मतलब तेजस्वी यादव 100 से अधिक सभा कर चुके हैं जी, नीतीश भी बहुत लिमिटेड सभा कर रहे हैं, एक दिन में 2 ही सभा कर रहे हैं जी, ये 4 से 5 सभा कर रहे हैं मुकेश सहनी के साथ घूम घूम कर जी, मुकेश सहनी को हेलीकॉप्टर पर बैठा बैठा के जी। और मुकेश सहनी के मुँह से इतनी बड़ी बातें, ये दिखा रहा है जो अपना सर जाके दीवार पे ठोकना जी, मतलब खुद लहूलुहान, खुद घायल होना जी। एगो आप क्रिकेट अगर वेद देखते होगे जी, तो ऐसे बहुत कम खिलाड़ी आउट होते हैं जी। एक होता है हिट विकेट जी, जो अपना ही बैट से बॉल मारा, खुद से लग जाता है विकेट में, आके विकेट में लग गया, तो बैट खुद से विकेट में लग जाता है, बैट भी लग जाता है और बॉल जहां तक दूर तक नहीं गई फिर पलट के वापस विकेट की ओर आ गया और बैट से भी लग जाता है जी। तो कहीं ऐसा ना हो जो तेजस्वी के लिए मुकेश सहनी हिट विकेट हो जाए जी, इनके जिस तरह के भाषण और जिस तरह का जो आचरण है। और मुकेश सहनी को ये नहीं पता है जो जहाँ पे ये भाषण दे रहे थे वो मदन सहनी और हरी सहनी का क्षेत्र है जी, और आज ही कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं मुकेश निषाद, वो भी सहनी समाज से आते हैं। झाजी, अभी आपने हिट विकेट का बात किया, तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को तो सभाओं में ले जा रहे हैं हिट कराने के लिए, वो वाला हिट कराने हैं हाँ। लेकिन अभी आप इसको हिट विकेट से जोड़ दिए हाँ, तो आप अच्छा वहाँ की देखिए, एक चीज तो जनता सब जानती है जी, जनता मूर्ख नहीं है जी, जनता वहाँ ये बैठे हुए जान रही है जो अपना वोट हम बर्बाद नहीं करेंगे जी, बर्बाद नहीं करेंगे।
अब वहां की जनता ये जान रही है, जो एक वहां के गांव का बेटा गुलाब यादव खड़ा है जी, जिसको जो वहां से विधायक रहा है जी, जिसका मधुबनी और झंझारपुर में उसका चुनावी कार्यक्षेत्र रहा है, बिल्कुल वो वहां यादवों का वोट वो ट्रांसफर करवाएगा जी, और भी विकास के नाम पर वोट लेगा जी। ये तो सुमन महासेठ तो बोरो प्लेयर है जी, तो बोरो प्लेयर को कोई वोट क्यों देगा? सही बात, ये जनता सब जानती, ठीक है जनता पहुंचती है सबका भाषण सुनने, अंतिम निर्णय होता है जनता के हाथ में, क्या क्या वो करेगी। लेकिन आज जिस तरह का भाषण, मतलब इस भाषण को हास्यास्पद कहा जाएगा जी, मतलब इस भाषण को जो गरीब है, जो जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो दबे कुचले हैं, जो किसान हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, वो इस भाषण को नहीं समझे होंगे। लेकिन हमारे आपके जैसे लोग, बिल्कुल इंटेलेक्चुअल क्लास के, जो पत्रकार नहीं भी हैं जी, जो चाहे कहीं नौकरी करते हैं, बैंक में हो या सरकारी नौकरी में हो, सचिवालय में हो, दरोगा हो, इंस्पेक्टर हो, वो इस तरह का बात को समझ जाते हैं जो मुकेश सहनी का सपना जो है, ख्वाब जो है, मतलब वो चांद पर जाने का है, मतलब वो वहां से सपना बुनने का एक काम किए हैं उन्होंने। जिस तरह से आज जो बयानबाजियां जो दी, जिस तरह से अभी आपने बताया कि उन्होंने कहा कि सेंट्रल में लेकर कुछ बातें कहीं वहां पे, तो उन्होंने एक सपना दिखाने का काम किया है कि अगर इंडी गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, उन्होंने वहां के लोगों को एक तरह से दिलासा दिया है जी, जो आप लोग गलत लोगों को वोट, गलत कैंडिडेट पर अपना वोट नहीं लगा रहे हैं जी, अगर सुमन महासेठ जीतते हैं तो केंद्र में ये मंत्री बनेंगे, जबकि ऐसा दिखता हुआ हम लोग को नहीं लग रहा है जी। मतलब किसको किसको मंत्री बनाएंगे केंद्र में इंडी गठबंधन जी, क्योंकि इंडी गठबंधन में पार्टियों की संख्या बहुत है जी, एनडीए जैसा 5-6 सिमट गया है जी, लेकिन वहाँ पे पार्टियों की संख्या बहुत है, बिल्कुल कश्मीर से कन्याकुमारी तक में जितने भी क्षेत्रीय दल है, चाहे केरल का हो, तमिलनाडु का हो, पंजाब का हो, दिल्ली का, आपका केजरीवाल का हो, बिल्कुल बिहार का कांग्रेस है, फिर आरजेडी है, सीपीआई है, सीपीएम है, झारखंड का है, झारखंड का है जी, तो हेमंत सोरेन की पार्टी है जी, तो मतलब कितना को देगा भाई, एक लिमिट होता है ना। सही बात, तो आप अपने आप को डिसाइड कर लिए जो हम कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएंगे, अभी ठीक है वो तो अब समय बताएगा जी। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा भी देखने के लिए मिल रहा है कि क्या ऐसा बयान देने से शायद लालू यादव के का जो गेम, जो इतने दिनों से जो वो सेट कर रहे हैं, समीकरण का जो खेल, मतलब सब जगह मतलब बुनते हुए नज़र आ रहे हैं, MY² समीकरण का, कहीं कुछ इस वजह से गलती का भुगतान ना भुगतना पड़े। गलती तो लालू यादव के गेम को तो नीतीश कुमार अब पलट रहे हैं जी, धीरे धीरे नीतीश कुमार अब फॉर्म में आ गए हैं जी, उन्होंने स्ट्रेटजी अब बदल दी है, वो पहले का स्क्रिप्ट को उन्होंने उठा के डस्टबिन में डाल दिया है, रद्दी की टोकरी में, अब वो नया स्क्रिप्ट लिख रहा है जी, और नए स्क्रिप्ट में बहुत तरह के चेंजेज आपको मिलेंगे 1 जून तक जी। पहला चेंज आपने देखा, अनंत सिंह बाहर आए, दूसरा चेंज दिखा, रणधीर सिंह RJD छोड़े, JDU में आने की तैयारी है, रामा सिंह को चिराग की पार्टी में ज्वाइन करवा दिया, अनंत सिंह को बाहर लाए, उनके बेटे RJD में थे, उनको शिफ्ट करवा लिया JDU में, नीलम देवी RJD से टिकट पर ले रही, उनको शिफ्ट करवा दिया गया चुनाव से पहले, बिल्कुल इधर JDU में। तो अब एक तरह से नीतीश कुमार जैसा बड़ा राजनीतिज्ञ, और जिसको कहा जाता है जो वो आदमी दिन भर राजनीति सोचता है जी, तो हम लोग बात कर रहे थे मुकेश सहनी पे बात कर, मुकेश सहनी का बरबोलापन कहीं ऐसा ना हो जो महागठबंधन के लिए घाटा है, और ऐसा नहीं जो अब धीरे धीरे हो सकता है जो मुकेश सहनी से तेजस्वी की दूरी सभा में बढ़ती जाए, क्योंकि जो उनका 3 सीट है जिसमें झंझारपुर हो गया, खगड़िया होने वाला है जी, एक बचेगा कल मोतिहारी जी, तो अब तब क्यों लेके घूमेंगे वो, तो हो सकता है जो मुकेश सहनी के बरबोलेपन के कारण तेजस्वी इनसे कहीं किनारा न कर ले, संबंध रहेगा जी, लेकिन अब साथ नहीं घूमेंगे, अब हाथ उनको जोड़ लेंगे, मतलब अब जैसे साथ में मछली खाते हुए नजर आते थे या फिर संतरे खाते हुए नजर आते थे, एक दूसरे के साथ मछली पकड़ते हुए नजर आते थे, अब शायद आगे ऐसा नहीं देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि भी आपने सुना कि झाजी के विश्लेषण में झाजी ने कितने अच्छे तरीके से बताया कि मुकेश सहनी ने आज जो झंझारपुर के स्टेज से जिस तरह का जो बयान दिया, कहीं उसका कुछ उलट फेर ना दिखने को मिल जाए। लालू यादव ने जो समीकरण जो बनाए हैं, तेजस्वी यादव लगातार मुकेश सहनी के साथ जो जनसभाएं कर रहे हैं, कहीं इस पे भी कुछ उल्टा का फुल्टा होते हुए नजर ना आ जाए। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप बने रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।